बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार की बात है, त्रेता युग के समय भगवान शंकर और उनकी अर्धांगिनी माता सती याग श्री अगस्त जी से कथा सुनने जाते हैं त्रेता युग के समय। कथा सुनने गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही और जो गए अगस्त जी के पास। अच्छा देखिए, यहां पर भगवान शिव ने श्री तुलसीदास जी को प्रेरणा दी थी कि आप हमें चाहे जिस भी दृष्टि से देखो, लेकिन हम जिनसे कथा सुनने जा रहे हैं तो वे वक्ता हैं, मतलब वे हमसे बड़े हैं, तो आप उनकी प्रभुता हमारे सामने ज्यादा रखना, हमें नीचा दिखाना उनको ज्यादा, क्योंकि वे वक्ता हैं। और सचमुच तुलसीदास जी ने इसीलिए लिखा, शंभु गए, क्या कहते हैं शंभु, शंभु दो अक्षर का नाम, शंभु गए और क्या कुंभज ऋषि पाहि, कुंभज तीन अक्षरों का नाम। यहां पर तुलसीदास जी शंकर जी की प्रभुता कम करते हैं। अब गए अगस्त जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। अच्छा देखिए, भगवान शिव हैं, कृपा सिंधु शिव परम अगाध, भगवान शिव समुद्र है कृपा सिंधु, और अगस्त जी का नाम है कुंभज। कुंभज मतलब घड़े का बेटा। तो ये कितना बड़ा समुद्र, और घड़े के बेटे के पास कथा सुनने गए। और शंकर जी कैलाश पर रहते हैं ऊपर, तो ऊपर से नीचे आए कथा सुनने। इसका अर्थ है कि जब भी हम कथा सुनने आए तो अपने पद प्रतिष्ठा अभिमान को त्याग कराना चाहिए। आए, इतना स्वागत सत्कार किया अगस्त जी ने शंकर जी का और सती जी का, और कथा सुनानी प्रारंभ की। अच्छा, कथा सुनने गए थे दो, और सुनी कितने ने, एक ने, एक ने, किसने, राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश, केवल शंकर भगवान ने परम सुख मानी, सती माता ने नहीं सुनी। क्यों? वे सोचती हैं कि ये जो कथा सुनाने वाले हैं ये हमारे पति की ही तो लिखी हुई है, तो हम तो चाहे जब सुन लेंगे, इनसे सुनने की क्या जरूरत। तो उन्होंने नहीं सुनी, बैठी रही लेकिन सुनी नहीं। और देखिए, जो भगवान की कथा सुनता है उसका पद प्रतिष्ठा सब बढ़ते ही जाते हैं। सबसे पहले शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि, दो अक्षर का नाम, और कथा सुन ली तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश, अब तीन अक्षरों का नाम हो गया। और आगे कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, अब चार अक्षरों का नाम हो गया। और लास्ट में मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी तेरी पुरारी, अब पांच अक्षरों का नाम हो गया। तो जो भगवान की कथा सुनता है उसके पद प्रतिष्ठा धन वैभव सब बढ़ते जाते हैं, और जो नहीं सुनता है ध्यान से उसके सब घट जाते हैं। जब सती जी आई थी तो कितने सारे, यद्यपि सती जी का नाम दो अक्षरों में, लेकिन उपाधियां संग सती जग जननी
भवानी। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो तुलसीदास जी ने सारी उपाधियां छीन ली। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। अब दक्ष कुमारी को साथ लेकर गए, और दक्ष मतलब अभिमान का प्रतीक, अभिमान की पुत्री को लेकर गए। पूरी कथा सुनाई अगस्त जी ने। तो पूछा अगस्त जी ने कि प्रभु कथा कैसी लगी? भगवान बोले, आहा, मन प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छी। तो कथावाचक को दक्षिणा मिले, मिलना चाहिए कथावाचक को दक्षिणा, बिल्कुल। क्या चाहते हो? कहा, जिसके पास जो हो उससे वही ले लेना चाहिए। तो आपके पास क्या? कहा, आपके पास वह है जो किसी के पास नहीं। आप भगवान की और अपनी भक्ति दे दो, भगवान राम की भक्ति दे दो। भगवान ने अगस्त जी को भक्ति दी और वहां से चले। अब देखिए, उसी समय धरती पर, धरती का पाप का भार भंजन करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था।